अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट कुकिंग आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और इजी कस्टर्ड रेसिपी शेयर करूंगी तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं फोर टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड है आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं हाफ कप मिल्क है वन लीटर मिल्क लिया है मैंने उसको मैंने पैन में डालकर गर्म करने के लिए रख दिया है थोड़े से मैंने नट्स लिए हैं जो कि मैं कस्टर्ड में यूज़ करूंगी और गार्निश भी करूँगी बादाम है मेरे पास किशमिश है पिस्ता है और काजू है इन सबको अच्छी तरह से वॉश करके मैं बारीक बारीक काट लूँगी कस्टर्ड को मैं थोड़ा थोड़ा करके मिल्क में ऐड कर लूँगी और मिक्स कर लूँगी सारा कस्टर्ड ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी कस्टर्ड मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मिल्क को चेक करते हैं वो भी गर्म हो चुका होगा मिल्क भी अच्छे से गर्म हो गया है अब मैं इसका फ्लेम स्लो कर दूँगी मिल्क गर्म होने के बाद मैं इसमें फ़ोर टेबल स्पून शुगर ऐड करूँगी आप इसमें ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अब मैं इसमें टू टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं नहीं तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अब मैं फ्लेम स्लो कर दूंगी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड करती जाऊंगी और इसको हिलाती जाऊंगी। सारा कस्टर्ड ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं ये थिक भी हो गया है और अच्छी क्रीमी फॉर्म में आ गया है लास्ट में अब मैं सारे नट्स ऐड कर दूँगी जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था और मिक्स कर लूँगी कस्टर्ड रेडी हो चुका है मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी कस्टर्ड ठंडा हो रहा है मीन मैं जेली रेडी कर लूँगी एक पैकेट मैंने जेली का लिया है उसको मैंने एक कंटेनर में ऐड कर दिया है दो कप मैंने पानी लिया है इसको मैंने बॉईल कर लिया है पानी को बॉईल करके मैं इसको जेली पाउडर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी फ़िफ्टीन मिनट्स के लिए ताकि जेली रेडी हो जाए प्लेन केक लिया है मैंने इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है एक मैं डिश लूंगी और एक एक करके सारे केक के स्लाइसिस मैं इस डिश में रखती जाऊंगी। सारे स्लाइसिस मैंने डिश में सेट कर लिए हैं फ़िफ्टीन मिनट्स हो चुके हैं कस्टर्ड ठंडा हो गया है अब मैं इसको केक के ऊपर ऐड कर दूंगी सारा कस्टर्ड मैंने डिश में ऐड कर लिया है और इसको मैंने ऊपर से इक्वल भी कर दिया है अब मैं इसको फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स तक फ़्रिज में रखूंगी ताकि कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो जाए ट्वेंटी मिनट्स हो चुके हैं कस्टर्ड ठंडा हो गया है मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और जेली भी रेडी हो चुकी है अब मैं जेली को कस्टर्ड के ऊपर ऐड करूँगी और कस्टर्ड को गार्निश करूँगी जेली रेडी हो चुकी है मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है जेली को मैं नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी शेप में जेली को कट करने के बाद मैं सारी जेली को एक प्लेट में ऐड कर दूंगी जेली को मैंने प्लेट में ऐड कर लिया है अब मैं इसको कस्टर्ड के ऊपर ऐड करूँगी सारी जेली को मैं कस्टर्ड के ऊपर डाल दूंगी और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी सारी जेली मैंने कस्टर्ड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर ली है थोड़े से नट्स मैंने रख लिए थे उनसे मैं कस्टर्ड को गार्निश करूंगी और सर्व करूंगी कस्टर्ड रेडी हो चुका है अब मैं इसको ट्वेंटी मिनट्स तक फिर से फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए फिर इसको सर्व करूँगी बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई करें मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी रेसिपी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू